जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग आज बात करेंगे इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। अच्छा, आज इसके बारे में बात क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो इसमें तेजी जो देखने को आपको मिल रही है, तकरीबन 4% 5% की तेजी एक एक दिन में, ये तेजी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। दूसरी बात, तेजी क्यों देखने को मिल रही है? और तीसरी बात, क्या शानदार अपडेट निकल कर आया है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, उस अपडेट को लेकर भी बात होगी और उस अपडेट के बदौलत कंपनी का शेयर प्राइस लंबी अवधि में कितना ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। तो पहले सीधे चलते हैं हम लोग बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और वहां पर अपडेट समझ लेते हैं, फिर आगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर या जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, और बीएस इंडिया की वेबसाइट पर देखिए आप, मैंने यहां पर इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। तकरीबन प्राइस आज 2.69 रुपए के आसपास चल रहा है, ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज जो है ये है, यहां पर देखिए आप देखेंगे कि ये स्टॉक आज अपर सर्किट टच किया है। अपर सर्किट काफी दिनों के बाद इस स्टॉक में देखने को मिली है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और सबसे कमाल की बात की जो अपर सर्किट है, ये अब कुछ दिनों तक आपको लगातार देखने को मिलते रहेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है कुछ न्यूज़पेपर वगैरह इन लोगों को पब्लिश करने का मन है। तीसरी खबर यह है, कंपनी ने भी हाल ही में राइट इशू का अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए राइट इशू के बारे में समझते हैं, राइट इशू को लेकर क्या अपडेट कंपनी की तरफ से निकलकर सामने आया है। तो यहाँ पर आगे हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन में, कॉर्पोरेट एक्शन में बेसिकली पता लगता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से क्या इन्वेस्टर्स के लिए नया अपडेट सामने आया है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट इशू निकलकर सामने आ रहा है। राइट इशू इसके पहले कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया था, लेकिन 2012 में दिया था। 2012 के बाद पहली बार कंपनी कोई कॉर्पोरेट एक्शन करने जा रही है, जिसका रिकॉर्ड डेट रखा गया 29 जनवरी 2024। अब आपको पता है कि रिकॉर्ड डेट और एक्सडेट एक ही हो गया है, तो रिकॉर्ड डेट से पहले यदि जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे वो बेसिकली राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। अब ये राइट जो इशू जो आ रहा है, ये इसका जो मतलब रेशियो रहेगा, किस रेशियो में लोग राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या बेसिकली प्राइस रहेगा, वो अभी तय नहीं हुआ है। जैसे तय होगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अपडेट यही है कि 29 जनवरी के पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लीजिए, तभी जब राइट इशू ओपन होगा तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे और जो बोनस जो रेशियो रहेगा उसके हिसाब से आपको इसके शेयर्स मिलेंगे। राइट इशू आसान भाषा में बताऊं तो राइट इशू में जो पहला राइट होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है, जो जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उनका पहला राइट होता है इसमें अप्लाई करने के लिए। और फायदा इस तरीके से होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए अभी 10 रुपए चल रहा है, तो राइट इशू में कंपनी के शेयर्स आपको 5 रुपए में ही मिल जाते हैं। तो आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर शेयर्स मिलता है, इसलिए राइट इशू में आपको अप्लाई करना चाहिए। इसमें आपको बेनिफिट हो जाता है और इससे आपका एवरेज प्राइस भी और नीचे आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, एवरेज प्राइस जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इंडियन इंफोटेक के बारे में ये एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो अब जो इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि उनका इसमें इन्वेस्टमेंट करना जाया नहीं हुआ। अब जाके उनको ये जो तेजी देखने को मिल रही है और जो अपडेट आया है उसका कीमत समझ में आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भरोसा जताइए कि वो कंपनी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि ये जो कंपनी है इंडियन इंफोटेक कंपनी, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, एक NBFC कंपनी है जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो आप इसके कंपनी के नाम पर मत जाइए कि सॉफ्टवेयर लिखा है तो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। IT सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, NBFC कंपनी है और बेसिकली लोन अगर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, काम काफी बढ़िया फाइनेंस के सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। तो आगे भी इसमें ग्रोथ रहेगा और कंपनी का जो फंडामेंटल है वह भी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज देखिए प्राइस थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे तो वहाँ बताऊंगा कहाँ पर उठाना है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और ROCE देखेंगे तो ये प्लस में काफी कमाल का बात है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर दे ही देगी। तो अब चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक का जो प्राइस है, शेयर प्राइस ऊपर कहाँ तक जा सकता है, और साथ में जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2.20 रुपए का, देखिए यहाँ पे काफी दिनों तक तो इसने कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेशन से बाहर निकल हुआ, प्राइस ऊपर ही जाता है। 90 से 95% से चांस होता है प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर गया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है और ये ऊपर जाएगा। कहाँ तक ऊपर जा सकता है, मैं 5 साल का चार्ट ओपन करूँ तो आपके लिए देखेंगे कि ऊपर में कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं। एक ये 4 रुपये का जो लेवल है यहाँ तक के लिए तो शॉर्ट टर्म में आएगा ही, इसके ऊपर निकला तो प्राइस आपको इजिली 12 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो आपको एकदम से 12 रुपये तक नहीं जाते हुए दिखेगा, कम से कम 4 रुपये तक लेवल तक के लिए आएगा और यहाँ पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी जो नए व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, 4 रुपये के लेवल तक जाने दीजिए। 4 रुपये तक जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आएगा और जब ऊपर उठने लगेगा तो हम लोग फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे, जैसे रिट्रेसमेंट होगा प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप समझ पा रहे होंगे नए व्यक्ति को कहाँ पे एंट्री लेनी है। बाकी जिनका इन्वेस्टमेंट है उनके लिए बताया कि अभी इसमें टारगेट आपका पेंडिंग है, बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, आप थोड़ा सब्र रखिए। और ओवरऑल यदि कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो आप पाएंगे कि ये जो इंडियन इंफोटेक कंपनी है इसका फंडामेंटल समय दर समय हर क्वार्टर टू क्वार्टर मजबूत हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अभी दिसंबर के आने बाकी हैं, उसमें देखेंगे सितंबर क्वार्टर से रिजल्ट्स भी ज्यादा कंपनी का सेल्स होते हुए दिखेगा। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो जैसे सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में भी प्रॉफिट आपको ज्यादा ही होते हुए दिखा है, तो जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा इसमें और ज्यादा प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। तो जो कंपनी का फंडामेंटल है वो आपको काफी तेजी से मजबूत होगा, और किसी भी कंपनी का जब फंडामेंटल मजबूत होता है तो उसका शेयर प्राइस लंबी अवधि में बहुत
शानदार रिटर्न निकालकर देता है, बहुत ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ता है। तो इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के ऊपर मैं काफी समय से वीडियो बना रहा हूं, मैं फिर वीडियो बनाया हूं इसलिए आपको अपडेट करने के लिए कि देखिए स्टॉक काफी बढ़िया है, आपके पोर्टफोलियो में है तो इसे बेशक होल्ड कीजिए, नहीं है तो सही समय देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूंगा क्या करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।